नमस्कार, आज हम लोग आए हुए हैं श्री शेमकली देवी मंदिर। सात देवियों के दर्शन में से एक देवी के दर्शन ये भी हैं, श्री शेमकली माता जी के दर्शन। श्री शेमकली देवी मंदिर, जय माता रानी, जय। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं माता रानी के। जय माता रानी, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय माता रानी, जय माता रानी। जय माता रानी। मंदिर अभी बंद है, उठ गए आवाज। जय हो, जय हो, जय। मंदिर का गेट बंद था लेकिन पुजारी जी को बुलाने पे वो गेट खोलने के लिए आ रहा। जय हो, जय हो, जय हो, जय जी। सब लोग बाहर से आए हुए ना, लखनऊ से हैं, कानपुर से हैं। जी आए हैं लखनऊ से और हमें कानपुर से, आपको पता ही है। शुक्रिया पंडित जी, पंडित जी हमारे बहुत अच्छे हैं। जय माता, जय हो, जय हो, जय। श्री माता रानी के दर्शन करेंगे। मंदिर में प्रवेश किया है, पंडित जी ने गेट ओपन किया। यहाँ पे घुसते ही पीपल के पेड़ के पास आपको बहुत सारी खुदाई में निकली हुई मूर्तियों के दर्शन होते हैं, तो आपको पहले उनके दर्शन कराते हैं। तो ये सारी मूर्तियाँ खुदाई में निकली हैं और बहुत पुराना तब इसमें कारीगरी की गई है। जय पंडित जी, ये मूर्तियाँ खुदाई में निकली हैं। इसी मंदिर से खुदाई में ही ये सब आर्किटेक्चर निकले हैं। कुछ खंबे के हैं, कुछ मूर्तियां हैं, बहुत ही भव्य। बहुत ही प्राचीन मूर्तियां के अवशेष यहाँ पे आपको मिलते हैं। जय माता रानी, जय जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। जय। तो चलिए पहले आपको मुख्यतः माता रानी के दर्शन कराते हैं। जय जय माता रानी। ये आइए देखिए, मिलते हैं, मिल जाएंगे अगर टाइम रहा तो। अभी इधर हैं गौरी शंकर मंदिर में। जय माता रानी, जय माता रानी, मामा को जय माता रानी। तो आपको यहाँ पे शेरों के दर्शन होते हैं पहले, और चलिए मुख्यतः द्वार के अंदर चलते हैं। जय माता रानी, जय माता रानी। तो ये है माता रानी के दर्शन। तो यहाँ पे आपको शेमकली माता जी के दर्शन होते हैं। जय माता रानी, जय माँ, जय माता रानी, जय माता। बहुत ही भव्य मूर्ति है और बहुत ही प्राचीन। जय माता रानी, बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है। जय माता रानी। आर्किटेक्चर अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही पुराना है, और ये माँ शेमकली माता जी का दर्शन है। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी।
जय हो माँ, बहुत ही भव्य मंदिर। ये मंदिर का गर्भगृह अभी आपको दर्शन कराए और ऊपर कुछ ऐसा दिखता है। जय माता रानी। सो अगर आप चाहें तो मैं मंदिर का आपको परिक्रमा लगा देता हूँ। जय माता रानी, जय हो, जय हो, जय माता रानी। यहाँ पे मंकी बाबा हैं। जय माता रानी, जय जय हो प्रभु। जय मंदिर के दर्शन के पश्चात आपको यहाँ पर दर्शन होते हैं भगवान श्री भोले बाबा, माता पार्वती और भगवान शिव जी के परिवार। जय जय। यहाँ मंदिर के सामने ही आपको यज्ञशाला के दर्शन होते हैं। जय हो प्रभु, जय। तो माता शेमकली माता जी के दर्शन हो गए। तो आप देखते हैं मंदिर के जस्ट ऊपर ही लिखा है श्री शेमकली देवी। सब इस मंदिर के दर्शन के पश्चात आपको यज्ञशाला के दर्शन हुए। अब बाकी जितने भी पूरा यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, या बोल सकते हैं माता शेमकली जी का धाम है, क्योंकि धाम में बहुत सारे अनेक मंदिर होते हैं। तो चलिए अब बाकी मंदिरों के दर्शन करते हैं। यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं माँ दुर्गा जी के। यहाँ पे आपको लिखा हुआ श्री सिंगनापुर महाराज जी की जय हो, तो वहाँ के दर्शन कराएंगे। तो पहले चलिए चलते हैं माँ दुर्गा जी के आपको दर्शन कराते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी, जय माँ, जय माता रानी, जय माता रानी। यहाँ पे आपको सिंगनापुर बाबा के दर्शन होते हैं और यहाँ पे आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे आपको शनि भगवान जी के दर्शन, जय शंकर बाबा, जय बाबा, जय। यहाँ पे आपको श्री विष्णुपदी गंगा जी के दर्शन होते हैं, कि उनके पैर के अंगूठे से माँ गंगा जी का उद्गम माना जाता है। सो चलिए आपको माँ गंगा जी के दर्शन कराते हैं। जय माँ गंगा, वो अपने मगरमच्छ वाहन के ऊपर विराजमान है। जय माँ गंगा। और यहाँ पे आपको आगे दर्शन होते हैं शनि बाबा के। जय हो शनि बाबा, जय शनि देव भगवान की जय। यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं, ये शनि चालीसा लिखी हुई है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान माता राधा के दर्शन होते हैं आपको। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। नवग्रह की आरती लिखी हुई है, मैंने प्रथम बार देखी है। यहाँ पे आपको मंदिर श्री माता काली जी के दर्शन होते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। और यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं माँ संतोषी माता जी के। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी। यहाँ पे आपको मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी के दर्शन होते हैं। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय माता। यहाँ पे आपको हनुमान जी भगवान जी के दर्शन होते हैं। मंदिर श्री संकट मोचन हनुमान जी। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही भव्य दर्शन। तो ये पुराना मतलब बना हुआ है, जहाँ पे लोग रहते हैं, प्रसाद बनता है, वो सब पुजारी जी वहाँ अंदर रहते हैं मेनली। और यहाँ पे एक और मंदिर है, वहाँ के भी दर्शन कराते हैं आपको। जय श्री कृष्ण भगवान, माता राधा के दर्शन होते हैं आपको। जय हो, जय माँ राधा, जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय श्री राम। वो आपने यहाँ पे संपूर्ण दर्शन कर लिए माता शेमकली माता के धाम के। अब यहाँ के पुजारी हैं,
उनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं और पूछते हैं इस मंदिर की बारे में कि ये मंदिर कब बना, कैसे बना। वैसे हमें पता है, थोड़ा उनसे भी जानकारी लेते हैं कि जब आप बुज़ुर्ग लोगों से बात करते हो जो यहाँ मंदिर में लगातार रह रहे हैं, तो उनको कुछ कहानियाँ ऐसी पता होती हैं जो हम जान भी नहीं सकते। तो चलिए चलते हैं उनसे पूछते हैं कि इस मंदिर के बारे में क्या मान्यता है और ये मंदिर कैसा है।